आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम टाई एंड डाई की टेक्निक को करेंगे सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक के कुछ एरियाज में जो है वो नॉट्स टाई कर लूंगी आई एम वेरी पुअर इन टाइंग एंड ओपनिंग द नॉट्स सो प्लीज बियर विद मी क्योंकि आई टेक टाइम नॉट इस तरह से बनानी है कि नॉट के ऊपर जो है एक छोटी सी स्पाइक होनी चाहिए आ, ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं कि नॉट के ऊपर एक छोटा सा जो है विंग फैब्रिक का मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ वो बहुत नेसेसरी है क्योंकि वो वाला एरिया हम आ, इंक से डाई नहीं करेंगे और जो नीचे नॉट होगी सिर्फ उसी को करेंगे सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टाई एंड आई थिंक कि आप जो है एक स्पाइक जो है उसको छोड़ें सारी नाट्स जो हैं वो मेरी हो गई हैं अब मैं मेरे पास ये एग का कार्टन था इसके ऊपर क्योंकि थोड़ी सी हाइट क्रिएट हुई हुई है तो जहां जहां पर भी मेरी नाट्स हैं वो उनको मैं इस हाइट पे रखूंगी और रिमेनिंग एरिया जो है वो जहाँ भी चला जाए उसका कोई मसला नहीं है क्योंकि इसको हाइट पे रखने का पर्पस ये है कि इंक जो है वो जो मैं दो कलर्स में करूँगी वो एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो कलर क्योंकि फैब्रिक टच होगा और अल्कोहल भी टच होगा तो वो स्प्रेड करेगा इसकी प्लेसिंग के बाद जो नॉट वाला एरिया उसको मैं रेड इंक के साथ जो है वो डाई करूंगी बहुत केयरफुली के स्पाइक जो है उसको कलर ना लगे मेरी इंक फिर से ब्लॉक हो गई है ओके नाउ इट्स वर्किंग सिर्फ थोड़ा सा मेरा ना नीचे लग गया है डाई जो कि मैं नहीं करना चाह रही थी लेकिन सिर्फ जो है अब मैं नॉट वाले एरिया ही को इंक से टच करूँगी क्योंकि फ़ौरन से इंक जो है ना वो एक तो एरिया नॉट का कम है और इंक भी फ़ौरन से स्प्रेड कर रही है आई एम आरिंग जनरस अमाउंट ऑफ इंक सारी नोट्स जो हैं वो मेरी ऑलमोस्ट दे आर डन अब मैं जो इसकी साइट्स हैं इनको ग्रीन इंक से जो है वो डाई करूंगी जितना भी वाइट एरिया है बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर ऑल दैट एरिया विद ग्रीन इंक अब मैं आइसर प्रॉपिल अल्कोहल को जो है वो स्प्रे कर लेती हूँ ताकि सारी इंक जो है वो स्प्रेड हो जाए और कोई भी एरिया जो है वो अनटच्ड रह ना जाए अल्कोहल से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक जो है वो काफ़ी कम है तो मैं थोड़ा सा जो है इसके अंदर मजीद ऐड कर देती हूँ ताकि जो है जब ये नॉट्स खुलें तो एक बहुत ही फेवरेट सा कलर ना हो बल्कि डार्क ग्रीन जो है थोड़ा सा नज़र आए इफ नॉट इवन डार्क लेकिन बहुत ही लाइट कलर ना हो तो दोबारा से एक स्प्रे अल्कोहल का इस एरिया में इंक जो है वो मुझे बहुत डल लग रही है लास्ट मोमेंट पे फाइनल टचेस देख लेते हैं कहीं पर भी कलर डल है या इंक जो है वो सही स्प्रेड नहीं हुई तो उसको कवर अप कर लेते हैं जी तो एल्कोहल मेरा पूरा जो है वो ड्राई हो चुका है एंड एज यू कैन सी तो इट्स टाइम टू ओपन द नॉट्स एन एज आई टोल्ड यू कैम वेरी गार्ड इन ओपनिंग इन टाइम द नॉट्स तो थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी वाइल ओपनिंग और ये देखें कि कितना एक प्यारा सा जो है फ्लार बन गया है और क्योंकि वाइट स्पाइक हमने रखी थी तो उसकी वजह से जो है मिडल पोर्शन जो है वो वाइट ही निकला और उसकी इमिडिएट साइड जो हैं दे आर टेंटेड प्रेस करने के बाद एक दफा अपने सारे स्कार्फ्स को या दुपट्टों को जो भी आप बना रहे हैं सिल्क से उसको कोल्ड वाटर में जो है वॉश करें ताकि जो कलर्स हैं वो फिक्स हो जाएं और फिर उसके बाद यू कैन गेट इट हेम्प्ड बाय एनी बडी पीको वाले जो हैं वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हैमिंग कर लेते हैं पीको कर देते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड शेप डिजायर्ड टाइप ऑफ पीको जो है वो करवा लें माय लास्ट नॉट एंड लास्ट यू कैन सी कि बहुत ही अमेजिंग सा एंड डाई हो गया है और सो इजी टू डू एट होम वेरी लेस कंज्यूमिंग वेरी कॉस्ट इफेक्टिव और मजे की बात यह कि आपका खुद का काम है तो यू विल डेफिनेटली बी इन लव विद अब मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा इसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएं नहाजे मूव अलॉन्ग तो आपको डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल हैं कि किस तरह से इसका टेक्सचर जो है वो आया है